This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस. किस क्लास के लिए? नाइन्थ क्लास के लिए. किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की. ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो सभी आपको जो है वो मैथ को समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए बहुत काम आने वाले हैं, चाहे वो नाइन्थ हो, टेंथ हो, प्लस वन प्लस टू, जो भी हो. ठीक है, तो उसमें आपके काम जरूरी आएंगे. तो आपने जो है बिल्कुल अच्छे से इन्हें समझना है. तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, उसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को. उससे पहले आप सभी को पता है कि पोल सेक्शन में जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, और इसका रिजल्ट जो है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है. तो पहले हम जान लेते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे जाना है. तो बच्चों, आपको नंबर एक स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी. ठीक है, वहां पर आपको थ्री डॉट नजर आ रहे होंगे. जैसे आप इन पे क्लिक करोगे आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे. ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. और फिर आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर. जैसे ही आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव. ठीक है, अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है. जैसे ही आपको ये नजर आता है आपने इस पर क्लिक करना है. फिर आपको नजर आएंगे चार ऑप्शन, उसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है उस पर क्लिक करना है. और उसके बाद आपने वोट पे क्लिक करना है. जिन बच्चों को ये पता है बहुत अच्छे, जिन्हें नहीं पता या समझ नहीं आया वो मुझसे बाद में जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आपको फटाफट से बता दूं जो आपकी पिछली क्लास का जो रिजल्ट था, 17 अगस्त का था वो, शायद 17-18 अगस्त. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसमें जो जिन बच्चों ने सही आंसर दिए थे वो है पूजा, हेमराज और याचिका, हिमांशु, अनु, खुशी, आकाश, राहुल, शिवम, नंदिनी, गुरजीत, शिवांकी, तनीषा, आनंद, मोहित, शिवम कुमार जी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन होते हैं वो, और संजीव कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं वो भी, उन्होंने भी अच्छे मतलब फुल अपने मार्क्स दिए थे, और शशि. इन सभी बच्चों ने जो है वो सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे. तो उम्मीद है कि बाकी के बच्चे भी बिल्कुल अच्छे से जो है वो आज की क्लास को अटेंड करें और कोशिश करें कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक दे पाए. ठीक है, सही नहीं होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश जरूर करनी है. तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बच्चों की घातांक और घात क्या होते हैं, है ना. तो ये हम पढ़ चुके हैं. तो इसमें आपको कुछ इस तरह की चीजें जो है वो नजर आएंगी. जैसे मान लीजिए 10 है और 10 की घात यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो जो हमारा नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं आधार. क्या कहते हैं? आधार, मतलब की बेस. ये हमारा आधार होता है और जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं घात. क्या कहते हैं? घात. तो इसको जो है कैसे हम सिंप्लीफाई करके लिखें, कैसे इसको सरल करके लिखें, तो कौन बच्चा बताएगा कैसे इसको हम लिखेंगे? 10 की घात 5 है तो किसको हम लिखेंगे और कितनी बार लिखेंगे? मैम 10 को 5 बार लिखेंगे, 5 बार करेंगे. ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी का बिल्कुल ठीक है कि 10 को हम जो है वो 5 बार लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे? गुणा. तो पहले अपना 10 लिख लो. तो जो भी आपका आधार होता है वो आपने लिख लेना है. कितनी बार लिखना है? जितनी उसकी घात है. कितनी बार लिखना है? जितनी उसकी घात है. लिखना किसको है? अपने आधार को, जो आपका नीचे बेस है, जो आधार है उसको आपने लिखना है. कितनी बार? जितनी आपकी घात है. बिल्कुल सिंपल है ना. तो 5 घात है तो 5 बार लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, और बीच में निशान किसका लगा देना है? गुणा का. सिंपल, गुणा, 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 और यहाँ पर भी गुणा. अब इनको गुणा कर दो, 10 10 से 100, 100 10 से 1000, 1000 10 से 10,000, और 10,000 10 से 1,00,000. तो ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, 2, 3, 5 0 यहाँ पर आ जाएंगी. ठीक है, 1,00,000. ठीक है, तो ऐसे जो इनको गुणा किया जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है. क्या करना होता है? आपने अपने आधार को लिख लो कितनी बार, जितनी घात है. ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप करेंगे उसको सॉल्व? यस मैम. ठीक है, आप मुझे करके बताएं, 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 10, इसका आप मुझे फाइनल आंसर बताएं. इसको खोल के आप कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है. आप बस मुझे इसका फाइनल आंसर बताएं. मैम 18. तो नहीं आ रहा. देखिए 4, वेरी गुड. 2 की घात 2 है, मतलब 2 को हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे. ये मैंने 2 लिख दिया और ये मैंने 2 लिख दिया, यहां पर कर दिया मैंने गुणा. ठीक है, तो ये 2 दूनी कितना है? 2 दूनी होता है आपका 4. ठीक है, अब 1 की घात अगर 10 हो तो मतलब 1 को हम कितने बार लिखेंगे? 1 को हम 10 बार लिखेंगे. अब 1 को आप 2 बार गुणा करो, 3 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो, 5 बार गुणा करो, 6, 7, 8, 9, 10,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 बार गुणा करो आएगा क्या, जल्दी बताएं क्या आएगा मैम? एक, एक सिर्फ एक, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक को आप जितनी मर्जी बार गुणा कर लो, नहीं बेटा 10 नहीं आएगा, हम 10 को गुणा थोड़ी कर रहे हैं, हम 10 को एक से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम एक को 10 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, यहाँ से गुणा करो नीचे को, तो एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, यहाँ पर भी एक एकम एक, यहाँ पर भी एक एकम एक, तो ये सारे क्या है एक के बराबर ही आएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर गुणा कर देंगे इसको हम एक से, तो हमारा उत्तर आ गया 4। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा कि अगर एक की घात जितनी मर्जी हो उसका उत्तर एक ही आएगा, क्या होगा उसका उत्तर जो है वो हमेशा एक ही आएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो 4 आया। अच्छा सबको समझ आया यहाँ पर क्यों इसका आंसर 4 आया, कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर मैं आपको एक की घात यहाँ पर 50 दे दूं तब भी बिना हल किए बताइए कि उत्तर क्या आएगा। एक, एक के बाद में आपको 1000 दे दूं बताइए क्या उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक की घात जितनी हो उसका उत्तर हमेशा एक ही आता है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक करना आपने ऐसे ही जैसे किया है आपने अभी इस क्वेश्चन को। -3^2 × -5^3, चलिए यहां पर आपको एक चीज मैंने सिखाई थी बच्चों कि अगर कभी भी कोई माइनस वाली संख्या है, ठीक है, माइनस वाली संख्या है और उसकी घात अगर सम है, सम मतलब इवन, इवन मतलब बताती हूं अभी इवन का मतलब है आपको, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने केस पढ़ा था माइनस है और उसकी घात जो है वो विषम है, माइनस की संख्या, ठीक है, जैसे ये दोनों संख्या है माइनस की है ना, एक की घात इसमें विषम है, एक की घात इसमें सम है, ऑड, तो इवन होता है आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, और आपका ऑड होता है 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपकी जो घात है वो सम हो, कैसी हो, सम हो, तो आपका जो माइनस का चिन्ह है वो किसमें बदल जाएगा, वो जमा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, जमा में, ठीक है, माइनस आपका किसमें बदल जाएगा, जमा में, ठीक है। और अगर आपकी घात विषम होगी तो आपका माइनस बिल्कुल नहीं बदलेगा, आपका माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है, आपका माइनस जो है वो कैसा रहेगा बच्चों, माइनस ही रहेगा। तो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और विद साइन मुझे अपना उत्तर बताइए। 134 कैसे आ रहा है, चलो देखते हैं इसको, इसको गुणा करके, पर साइन बताइए। 1125, ठीक है, ठीक है, पर इसका साइन, हाँ जैसे हेमराज ने साइन लिखा है माइनस का और आप लोग बिना साइन के लिख रहे हो तो अपना साइन भी लिखें। चलिए तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा, पर आपने ये चीज ध्यान में रखना है क्योंकि आपको पोल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अभी के अभी कॉपी पे नोट करके लिख लें। अगर सम हो, घात अगर इवन हो, मैं आपको घात भी यहाँ लिख देती हूँ। मैम हमने सॉल्व कर लिया, देख लो एक बार सही है कि गलत है। ठीक है बेटा एक मिनट, बस एक मिनट, घात के भैया आप अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लें क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर जो है आप क्या करें, अच्छे से उसे सॉल्व करें। 5, 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
चलिए, तो हमने यहां पर तीन को कितनी बार लिख, तीन को नहीं माइनस की तीन को, माइनस की तीन को हमने यहां पर कितनी बार लिखना है बताएं फटाफट से, कितनी बार लिखना दो है बार, दो बार, माइनस तीन गुणा माइनस तीन, ठीक है। तो और आगे इसको पांच को कितनी बार लिखना है माइनस के पांच को, तीन बार, तीन बार, माइनस पांच गुणा माइनस पांच, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, गुणा माइनस पांच। अब हमने यहां से लेकर के यहां तक सभी को गुणा करना है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो तीन तीन कितना होता है, तीन तीन होता है नौ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी घात देखें, इसकी जो घात है वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये किसमें बदल जाएगा, ये जमा के निशान में बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ जमा का निशान लगा भी सकती हूँ और नहीं भी लगा सकती हूँ, ठीक है। आगे गुणा का निशान है तो गुणा का गुणा लिखिए। अब इसको गुणा कीजिए इन तीनों को, पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, पच्चीस एक सौ पच्चीस, हाँ एक मिनट, पच्चीस पंजे देखते हैं, पांच पंजे पच्चीस, एक सौ पच्चीस, पंचपंजे पच्चीस, अच्छा एक मिनट, पांच दस ग्यारह बारह, हाँ ठीक, तो एक सौ पच्चीस आएगा ना यहाँ पर, ठीक
625 नहीं 125, ठीक है 125 यहाँ पर आ गया है इनको गुणा करके। और अब देखें, अब इसका जो चिन्ह है वो कैसा रहेगा, क्या यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, तो इसकी घात देखिए मैम माइनस का आएगा, ठीक है माइनस का आएगा, क्योंकि देखिए ये कैसा है, ये ऑड है ना। अच्छा आपने जोड़ दिया था, हाँ तो देखिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो जोड़ना नहीं है हमने इसमें, हमने इनको क्या करना है गुणा करना है ना। तो चलिए करते हैं इसको गुणा, 125 और 9 को गुणा कर दो, 5 9 45, 9 9 9 18, 19 20 21 22, हासिल 1, 9 9 और 1 10 और 1 11। तो इसको जब हमने गुणा किया तो उत्तर आया 1125, ठीक है 1125 जो है वो हमारा उत्तर आ चुका है। और इसका चिन्ह कौन सा होगा, सभी बच्चे बताएं इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, हाँ यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में माइनस का निशान आता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो अभी अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दूं माइनस वाला, तो क्या आप कर पाएंगे सभी बच्चे? यस अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया जो चाहता है एक और क्वेश्चन किया जाए तो आप बता सकते हो, क्योंकि पोल में आपको माइनस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल भी गलती ना करें, बिल्कुल आराम से इसे हल करें, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ जी मैम मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, आपको जो है ऐसी संख्या दी गई होगी कि माइनस का 3 है उसकी घात है 2, ठीक है, और यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस का 5 है उसकी घात है 3। ये आपका सवाल था, इनको हमने गुणा करके इनको इनको हमने जो है वो सॉल्व करना था, हल करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या है तो क्या करते हैं, अगर माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या है तो क्या करते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि यहाँ पर जब माइनस की संख्या की घात अगर सम संख्या होगी, इवन होगी, 2 4 6 8 जैसे ये है, ये वाली संख्या होगी, तो आपका माइनस का चिन्ह बच्चों बदल जाएगा जमा में, इसमें बदल जाएगा जमा में, ठीक है। और अगर आपके जो घात जो है वो विषम होगी, जैसे यहाँ पर है 3 है ना, ये विषम है ना, तो आपका ये माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो बस इतना आपको पहले पता होना चाहिए कि माइनस को क्या क्या करना है, हमने रखना है कि नहीं रखना है, बदलना है प्लस में कि नहीं बदलना है, बाकी सेम है जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि माइनस 3 की घात 2 है तो उसको हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 बार 2 बार, बीच में लगा दिया गुणा का निशान, ठीक है। आगे माइनस 5 की घात 3 थी तो माइनस 5 को मैंने 3 बार लिख दिया, 1 2 3, ठीक है। फिर हमने बस इनको गुणा किया और कुछ नहीं किया, फिर हमने इनको सिंपल सा गुणा कर दिया है, तो 3 3 होता है 9, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और 9 का जो चिन्ह है वो जमा का क्यों आया, क्योंकि इसकी घात 2 थी सम थी, ठीक है, और इसलिए ये किसमें बदल गया, जमा में। और वही हमने इसको गुणा किया तो 5 5 25 25 5 125, तो इसलिए मेरा उत्तर आया 125, लेकिन इसकी जो घात थी वो विषम थी, ऑड थी, इसलिए ये माइनस का चिन्ह नहीं बदला, ये माइनस का माइनस ही यहाँ पर रहा, ठीक है। फिर हमने एंड में क्या किया, 125 में 9 को गुणा कर दिया, यहाँ पर आपने जोड़ना नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पर गलती से जोड़ दिया था, है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपने जोड़ना नहीं है, मतलब जमा नहीं करना है, गुणा करना है, जो आपकी संख्याएं आती हैं उन दोनों को फिर आपने गुणा करना है। तो माइनस सॉरी 9 को 125 से जब हमने गुणा किया तो हमारे पास उत्तर आया 1125, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आया, चिन्ह आया माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग चिन्ह है, और जब चिन्ह आपके अलग अलग होते हैं तो उत्तर में जो है वो माइनस का चिन्ह आता है। तो अभी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछें। नो मैम, ठीक है, तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो वाई टाइप कर दो, फिर हम करते हैं पोल में क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रहे कि पोल में आपको ऐसा माइनस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं हम ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है बिल्कुल ही इजी, ठीक है, बस ध्यान रखें थोड़ा सा, गलती ना करें, बिल्कुल शांत होकर सवाल को हल करें। माइनस का 2 है, ठीक है, और उसकी घात है 3, माइनस का 2 है उसकी घात है 3, उसको आपने गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है इससे माइनस के ही 10 से, ठीक है, और उसकी घात कितनी है, तो उसकी घात भी है 3। कीजिए आराम से अपना सवाल हल, और
ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं, बस फर्क प्लस माइनस का है ना। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, जैसा आपको अभी सिखाया गया है उसको आप उसी तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी सही हो गलत हो वो बाद की बात है, पर क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चे करें, क्योंकि पोल खत्म होने के बाद आपका जो है वो नोटबुक, आपकी नोटबुक जो है वो चेक की जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपका पोल लॉन्च हो चुका है, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। बिल्कुल आराम से हल कीजिए। अभी आपको बताया है कि पावर, अगर आपकी घात सम हो विषम हो तो माइनस का क्या करना है वो आपको बताया है, कितनी बार आपने अपने आधार को लिखना है वो भी आपको बताया है ना। तो बिल्कुल आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। तो अभी दो बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से एक का गलत है एक का सही है। बिल्कुल ध्यान से करें और एंड में भी देखें, एंड में भी देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि एंड में आपके जो पूर्णांक को हम जैसे गुणा करते थे ना वो वाला रूल आपका लगेगा, ठीक है। तो पहले तो आप यही देखें कि माइनस बदलना भी है या नहीं, पहले तो यही आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए अपने मन में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका माइनस नहीं बदल रहा तो उसको साथ में नीचे उतारते जाएं, ठीक है। और उसके बाद देखें कि अगर दोनों माइनस के हैं उनको गुणा करके क्या आता था, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है उनको गुणा करके क्या आता था, अगर दोनों ही प्लस है तो उनको गुणा करके क्या आता था। तो वो बिल्कुल अपने ध्यान में रखें, क्योंकि उसी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, गुणा सभी ने ठीक किया है पर ये चिन्ह में जो है बहुत कंफ्यूजन बच्चों को हुई है। तो अभी बहुत से बच्चे हैं मतलब जो गलत आंसर दे रहे हैं, 5 बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है, 8 बच्चों का अभी तक सही है, 13 में से 13 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं जिसमें से 8 बच्चों का सही है, 5 बच्चों ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। गलत क्या हुआ है तो साइन, गुणा बिल्कुल ठीक है, गलत क्या हुआ है तो साइन गलत हुआ है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर जरूर दें। 30 के करीब बच्चे क्लास में हैं, 30 में से अभी 17 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 30, 32 बच्चे क्लास में, माइक ऑन करके बेटा आंसर अपना ना बोले अभी, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चों के, वेरी गुड, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन स्कोर मैं आपको बताऊं तो 7, 8, 9, 10, 11, 11 बच्चों के गलत, 11 बच्चों के ठीक, बिल्कुल अभी बराबरी पे है। 11 बच्चों ने आंसर अपना बिल्कुल ठीक दिया है, तो 11 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत दिया है। तो अभी सिर्फ 11 बच्चों का ठीक है और अभी 13-14 बच्चों ने अपना आंसर गलत दे दिया है। तो मतलब बहुत से बच्चे हैं जो अपना आंसर गलत कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं तो सिर्फ साइन, कुछ बच्चों ने तो गुणा भी गलत किया है लेकिन कुछ ज्यादा बच्चों ने साइन, 6 बच्चों ने जो है गुणा गलत किया है, 8 बच्चों ने जो है वो अपनी साइन साइन में गड़बड़ कर दी है और 11 बच्चों का आंसर अभी तक जो है वो ठीक है। तो 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। अगर ये एक क्वेश्चन गलत होता है तो कोई बात नहीं, आपने निराश नहीं होना है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो अभी आपको मैं पहले स्कोर बता दूं, तो टोटल 31, 31 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया था, जिसमें से 11 बच्चों का ठीक है लेकिन 11, 16, 20 बच्चों का गलत है। तो मतलब इस क्लास में 20 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल गलत दिया है। तो फटाफट से सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएं, कहां पर आपने इसको सॉल्व किया, मैं भी देखूं जरा क्या गलती आपने की है, क्योंकि 31 में से 20 बच्चों का जो है वो गलत था और 11 बच्चों का ठीक था। ठीक है, वेरी गुड हिमांशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है हेमराज, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। रक्षा, आपका आंसर गलत है थोड़ा सा, क्योंकि आपने माइनस का 8000 लिखा, बेटा माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस जो है एंड में प्लस बन जाना था, ठीक है। शिवांकी, आपका आंसर भी ठीक मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने माइनस का साइन नहीं लगाया है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
एक मिनट, शिवम आपका आंसर भी ठीक है? राजू कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन हुए बेटा आपका, मैं अब आंसर देख रही हूँ, कैमरा अपना ऑफ ना करें, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे। अच्छा आपका आंसर गलत है बेटा, क्योंकि इसका आंसर 800 नहीं आएगा, 2 2 4। और आपने इनको शायद 200 नहीं आएगा और यहाँ पर 6 नहीं आएगा, थोड़े से आपकी जो है वो गुणा में गड़बड़ हुई है, ठीक है। बाकी साइन आपका ठीक है, साइन आपका बिल्कुल ठीक है, जो भी राजू कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुआ है। अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें बेटा। राजनंदिनी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। गुरजीत आपका आंसर भी ठीक है, बहुत अच्छे। सभी बच्चे नोटबुक दिखाएं ताकि मुझे पता चल सके कि गलती कहाँ हुई है। जैसे अभी एक बच्चे का आंसर गलत था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो देखिए उन्होंने पर अपनी नोटबुक तो दिखाई ना, तो इतनी हिम्मत रखें सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाने की। गलत होता है, कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, कोई आपको यहाँ पर सजा नहीं दे रहा, कोई आपको नहीं डांट रहा, पर नोटबुक दिखाएं ताकि आपकी गलती हमें पता लगे और हम आपको उसमें सुधार आपका कर सके, ठीक है बेटा। बीर सिंह जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, आपका नाम शायद मैंने नहीं लिखा है, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। शशि आपका नहीं नजर आ रहा आंसर। याचिका आपका आंसर ठीक है बेटा। मुस्कान आपका आंसर भी ठीक है। चलिए तो अभी काफी बच्चों के आंसर ठीक भी थे, कुछ बच्चों के गलत भी थे, तो बहुत से मतलब 20 बच्चों के गलत हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेगा और देखेगा कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए -2 की घात 3 थी, तो -2 को हम कितने बार लिखेंगे, -2 को हम 3 बार लिखेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2। राहुल एंड आकाश, ठीक है बेटा, ओके ओके, तो लिख दिया यहाँ पर। और इस 10 को कितने बार लिखेंगे, -10 को, तो ये भी 3 बार लिखने को कहा गया, तो लिखिए -10 -10 और यहाँ पर -10। ठीक है, तो इनको हमने गुणा करना है, तो गुणा कैसे करते हैं, तो कीजिए फटाफट से, इसको इससे गुणा कीजिए, 2 2 4, ठीक है, इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, तो इस 4 को हमने अब आगे गुणा करना है, 2 2 4 है, तो 4 में हमने इसको जोड़ना नहीं है, इसका आंसर 6 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 8। 8 क्यों आएगा, क्योंकि इनको गुणा करके आया 2 2 4, अब इस 4 को आगे गुणा करो तो 4 2 8, ये सभी को समझ आया, 2 2 4 4 2 8, ऐसे इनको जो है वो गुणा किया जाता है, ठीक है, तो 8 आया यहाँ पर। अब बताइए 8 के पास जो है वो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस या प्लस? प्लस का मैम, प्लस का। माइनस आएगा, कैसा आएगा, माइनस आएगा, माइनस का, क्योंकि इसकी घात, देखिए इसकी घात ऑड है ना, इसकी घात जो है वो विषम है, विषम है ना, इसलिए जो है क्या, मैंने आपको बताया था जब भी विषम हो तो आपका जो माइनस है वो नहीं बदलता है, वो ऐसे कैसा यहाँ पर रहेगा। अगला देखें, तो अगला यहाँ पर 10 3 बार लिखा है, तो 10 10 से होता है 100, 10 10 से आपका 100 होता है, तो अब अपने 100 को आगे गुणा करना है, 100 10 से 1000, तो यहाँ पर आपका 1000, और इसका चिन्ह भी नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी घात जो है वो विषम है, तो देखिए ये आपके पास आना था। अब आपने 8 को 1000 से गुणा करना था, तो इनको गुणा करके आपका उत्तर आता 8000, कितना आता 8000, और चिन्ह कौन सा आता, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस है ना, दोनों दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, एक समान है, तो इसलिए उत्तर में हमेशा प्लस का निशान आता है, जिससे हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर C। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए, 11 बच्चों ने तो ऑप्शन नंबर ए को ही अपना सही आंसर माना था, उसके अलावा कुछ बच्चों ने इसको अपना आंसर माना था, कुछ बच्चों ने इसको, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर C। तो अभी मुझे बताएं बच्चे, जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ आया कि कहां आपकी गलती हुई? यस मैम। ठीक है, तो अगर आपको अपनी गलती पता लग गई तो बहुत अच्छे, आप उसको अगली बार ना करें, है ना, और अगर नहीं पता लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि आपसे ये गलती हुई थी, आपको नहीं समझ आया, दोबारा बताएं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप क्लास के एंड में रुक के भी मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में, जो कि घात के ऊपर बेस्ड ही होगा, मतलब है ना, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको यहाँ पर जो है वो पहचानना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, अच्छे से इसको सॉल्व करें, ठीक है, अच्छे से आपने इसको सॉल्व करना है। आपको पूछा गया है कि कौन बड़ा है, 2 की घात 10 या 10 की घात
दो में कौन बड़ा है? तो इसको सॉल्व करो पहले, ऐसे ही तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के मारोगे तो पक्का गलत होगा। सॉल्व करोगे अच्छे से, इनको खोलोगे, गुणा करोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो अभी के लिए आपका पोल सेक्शन भी ऑन होने वाला है, ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से दोनों को आप गुणा करना शुरू कर दें। चलिए, कौन बड़ा है ये आपने बताना है, ठीक है? दो की घात दस या दस की घात दो, इन दोनों में कौन है जो बड़ा है, इसका आंसर आपने देना है अपने पोल सेक्शन में। बिल्कुल आराम से इसे हल करें, कोई देखिए इसमें ना तो कोई माइनस है ना तो कोई कुछ है, इसमें बस आपने गुणा ही तो करना है, सिर्फ गुणा ही करना है। तो पिछले क्वेश्चन में जिन बच्चों का गुणा गलत हुआ था, इस क्वेश्चन में अपने गुणा को सुधारे बच्चों, आपको एक और मौका दिया गया है, अपने गुणा को सुधारे। पिछले क्वेश्चन में 11 बच्चों का तो साइन गलत हुआ था ना, तो वो तो अभी गुणा ठीक कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों का गुणा ही गलत हुआ था वो प्लीज अच्छे से गुणा करें, ठीक है? तो अभी एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी के बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं और अभी उनका आंसर ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है, ठीक है, जिस बच्चे ने आंसर दिया है। तो अभी पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से दो बच्चों के गलत हैं। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पांच बच्चों के ठीक हैं, तीन बच्चों के गलत हैं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, 15 में से 10 बच्चों के ठीक हैं, पांच बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर कर दी है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में जरूर अच्छे से करें, ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बहुत अच्छे। 24 में से 7 बच्चों के गलत हैं, 17 बच्चों के ठीक हैं। अभी 25 बच्चों के आंसर आए, तो 25 में से 17 बच्चों के ठीक हैं और 9 बच्चों के गलत हैं। 27 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 18 बच्चों के ठीक हैं, 9 बच्चों के गलत हैं। तो अभी देखिए गुणा भी जो है वो कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा आपने नहीं करना है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांति से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना? तो 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में जो है वो 32 के करीब बच्चे हैं, तो प्लीज बच्चों सभी अपना आंसर दें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट से, ताकि मैं देख पाऊं किस किस बच्चों ने आंसर कर लिया है। प्रिंस, हिमांशु, रवि, शिवम कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं, शशि, रक्षा, याचिका, तनीषा, उदित, शिवम, राजनंदिनी, प्रदुम पटेल जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं, संजीव कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं, राहुल, आकाश, राहुल और आकाश साथ में ही है, अनु, शिवांकी, मोहित, करीना और पुनीत, इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। इनके अलावा जो बच्चे रहते हैं उन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो अपना आंसर जरूर दे दें। अभी तक 27 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है, 28 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों आंसर दे दें और अपना हैंड रेज कर लें। वेरी गुड, 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 29 में से 18 बच्चों के तो ठीक हैं, पर 7, 4, 11 बच्चों के गलत हैं। तो चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, 29 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड। 30 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 12 बच्चों के गलत हैं, 18 बच्चों के ठीक हैं। तो अभी देखिए गुणा में भी जो है वो काफी बच्चों को गड़बड़ हो रही है, तो कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछा कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन गलत करने से अच्छा तो अपना डाउट पूछ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे तो फिर आप कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं सीख पाओगे। सीख तो आप लोगे, लेकिन मन में डाउट रहेगा तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 2 की घात यहाँ पर कही थी इन्होंने 10, मतलब 2 को मैं कितनी बार लिखूंगी? मैम 10 बार। 10 बार, 2, 1,
दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, ठीक है। और आगे देखें तो 10 की घात कितनी है? दो बार, 10 को कितने दो बार लिखेंगे? दो फिर बार, दो बार। दो बार। तो अब मैं इसको गुणा करने से पहले मैंने सोचा कि ये बहुत लंबा है, इसको गुणा करने से पहले मैं इसको गुणा कर लेती हूँ, ये तो छोटा सा है ना। तो मैंने क्या किया, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 10 10 से 100। सौ अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास 100 तो आ चुका है, तो अब मैं इसको गुणा करते करते अगर 100 से ऊपर आ जाता है तो मैं रुक जाऊंगी। क्यों रुक जाऊंगी? क्योंकि 100 से ऊपर आ जाएगा तो आगे गुणा करने की क्या जरूरत है ना। तो थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते थे, सिर्फ आपने पहले इसको इसको गुणा कर देना था और उसके बाद इसको गुणा करना था। तो चलिए करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अब 8 को आगे कीजिए, 8 दूनी 16, फिर यहां पर आया 16, तो 16 दुनी 32, 32 दुनी 64, 64 दुनी करना पड़ेगा यहां पर, 4 दुनी 8 128 128। देखिए 128 यहां पर आया, 128। तो इसके बाद आगे अभी देखिए 3 2 और है, लेकिन मेरा वैसे आंसर आ चुका है, 100 से ऊपर आ चुका है, पर फिर भी चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 128 दुने 128 को भी 2 से गुणा कर दो, 8 दुनी 16, 2 दुनी 4 तो 1 5, और 2 1 2 तो 1 3, 356। उसको भी आगे गुणा कर दो, 356 में 4, 4 क्या, इसको 2 2 4 मैंने कर दिया, और 356 में गुणा कर दो, 6 चौके 24, 2 5 चौके 20 21, 22, 2 4 3 12, तो 1 मिनट, 24 5 20, 4 3 12 13 14, ये तो गलत आ रहा है। 3 की जगह 2 आएगा। अच्छा 256, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, 4 दुनिया 8 9 10। हाँ अब देखिए, अब आ गया आपके पास 1024। तो इसको अगर हमने पूरा गुणा किया तो यहाँ पर मेरे पास उत्तर आ चुका है 1024, लेकिन इसको इतना गुणा करने की जरूरत थी ही नहीं, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी रुक रुक सकती थी, है ना। तो अब देखिए, हमने बस इतना ही पता करना था कि बड़ा कौन है, तो कौन बड़ा हुआ बताएं। अब आप यहाँ पर देख के मुझे फटाफट से बताएं, क्या हमारा ये बड़ा है या ये बड़ा है? 10 की घात 2 दो बड़ी की है, पावर 10 ज्यादा बड़ा है, हाँ 2 की घात 10 है ना, 2 की पावर 10 बड़ी है, 10 की पावर 2। ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर भी, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिया था, कुछ बच्चों ने तो कहा था कि दोनों समान है, पर दोनों समान नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत है, और इनमें से कोई नहीं तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही। तो ज्यादा कंफ्यूजन आपके ऑप्शन ए और बी में थी, तो उसको हमने अभी क्लियर कर दिया है। तो अभी मुझे बताएं, ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछे बच्चों, और समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, 3 की घात 2 बड़ा है या 2 की घात 3 बड़ा है, अब बताइए। मैम 2 की घात 3। सॉल्व करके, दो सॉल्व करके बताएं। मैम की घात 2। वही, जो तुक्का मारेगा उसका गलत आएगा, जो सॉल्व करके बताएगा उसका ठीक आएगा, क्योंकि ये मैथ है ही मैथ है कि सॉल्व करो, अपना पहले प्रूफ बताओ कि आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो बिना सॉल्व के कोई आंसर नहीं देना है आपने, सॉल्व करो। तो बिल्कुल इजी था, 3 3 3 9, ठीक है, और 2 को 3 बार लिखो, मैंने कर दिया हाँ 2 को 3 बार सॉल्व। लिखो, 2 2 4 4 2 8। अब देखिए कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ऐसे देखिए ये बड़ा था, ठीक है, तो इसलिए जो है वो सॉल्व करना है। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलिए, ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्या पता आपके टेस्ट में आ जाए, है ना, जो अवंती की तरफ से आपका टेस्ट हो, तो बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, अभी तक हम पढ़ रहे थे घात और घातांक, ठीक है, घात और घातांक, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, जो कि आपके घात और घातांक से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। यदि किसी संख्या को, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने यहाँ पर कोई संख्या मान ली 4, ठीक है, 4 मैंने संख्या मान ली, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब 4 अगर मैंने संख्या मानी है तो मुझे 4 से ही इसको गुणा करना होगा, ठीक है, उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणा करो, पहले तो गुणा कर लो, तो 4 चौक कितना होता है, 16, ठीक है। तो
तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। कौन कहलाएगा वर्ग? मैंने चार लिया, चार को मैंने चार से ही गुणा कर दिया, मुझे उत्तर में मिला 16। तो कौन किसका वर्ग कहलाया जाएगा? मैम चार का वर्ग होगा 16। मतलब कि 16 जो है वो, 16 जो है वह चार का वर्ग कहलाया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि चार का वर्ग कितना है? चार का वर्ग जो है वो 16 होता है। तो जो गुणा करके हमारे पास आंसर आता है ना, उसको हम कहते हैं वर्ग। किसका? जिस संख्या को हमने गुणा किया हो। ठीक है, जो उत्तर आएगा उसको कहते हैं हम वर्ग। किसका? उस संख्या का जिसको हम गुणा कर रहे हो। ये बात सभी को समझ आई? ये लाइन सभी को क्लियर हुई कि जो गुणा करके आएगा उसको हम कहेंगे ये एक वर्ग है। किस संख्या का वर्ग? जिस संख्या को आप गुणा कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। तो ये आपका वर्ग होता है। और वर्ग जो है हमेशा हम कैसे दिखाते हैं? क्योंकि हम एक संख्या को उसी से गुणा कर रहे हैं। मतलब मैं चार को गुणा कर रही हूँ। कितनी बार चार यहाँ पर लिखा गया है? दो बार। तो दो वर्ग बार। क्या होता है वर्ग में? आप मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 15। ठीक है, अब मुझे 15 को जो है वो 15 से ही गुणा करना होगा, है ना? 15 से ही गुणा करना होगा ना। तो इसको मैं घात के रूप में लिखूं तो ये भी आ गया घात 2। अगर मैंने संख्या ली यहाँ पर 100, तो मुझे 100 को जो है वो 100 से ही गुणा करना होगा और यहाँ पर आ गया 100 की घात 2। तो मतलब जिनकी भी घात जो है वो 2 होती है उसको हम वर्ग भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये 100 का क्या है, ये 100 का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। 4 का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। 15 का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रख लेना है, वर्ग जब भी आपको कहा जाए तो आपने कितनी बार गुणा करना है बच्चों? दो बार। और किससे? जो संख्या दी है उसको उसी से गुणा करना है, हर किसी से गुणा नहीं करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा होता, आपको कहा जाता है कि आप 7 का 8 का वर्ग निकालिए, 8 का वर्ग कीजिए। तो कुछ बच्चे इसको कैसे ले सकते हैं, कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं 8 गुणा 2। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, 8 गुणा 2 नहीं होगा। 8 को जो है वो 2 बार लिखा जाएगा और गुणा किया जाएगा, 8 8 64। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्ग। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, ये बिल्कुल ही गलत है कि आधार और घात को आपस में गुणा कर दो। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी आधार और घात आपस में गुणा नहीं होती। आधार को हम उतनी बार लिखते हैं जितनी उसकी घात हो, फिर कर देते हैं गुणा। तो ये होता है हमारा वर्ग। अभी वर्ग अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, यहां तक जितना भी आपको सिखाया वर्ग के बारे में, कि वर्ग क्या होता है, जिस भी संख्या का पूछा गया हो उसको उसी से गुणा करो, जो भी उत्तर आया उसको कहेंगे हम कि ये इसका वर्ग है। तो चलिए आप मुझे बताएं 15 का वर्ग। मैम 225। ठीक है, कैसे किया आपने? तो 15 को किससे गुणा करेंगे हम बताइए, 15 को किससे गुणा करेंगे? 15 से ही। ठीक है, तो कर दीजिए 5 5 25 और 15 कम 15 225 मैम। हाँ, 5 7 5 12 1 तो 225। ये हमारे पास देखिए आंसर आ चुका है। तो मतलब 15 का वर्ग जो है वो 225 होगा। ऐसे जो है वो आपने निकालना होता है वर्ग। ठीक है, या आपको ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि 225 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या का वर्ग कौन होता है। चलिए तो देखते हैं आगे। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात में 2 लिखकर दर्शाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और चीज है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि वर्ग क्या है? वर्ग है मतलब घात में 2। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम मतलब इवन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी माइनस की संख्या ले लूं, मैंने ले लिया माइनस का 4 और उसकी घात में लिख दिया मैंने 2, क्योंकि इसकी जो घात है वो इवन है, वो सम है, तो माइनस क्या होगा? माइनस खुद को किस में बदल देगा? जमा में। ठीक है, तो हर बार जितनी भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो या धनात्मक संख्याएं हो, उनका वर्ग जो है वो एक जैसा ही आता है और उसका चिन्ह भी जो है वो हमेशा जमा का होता है। पर ये सिर्फ वर्ग के केस में होगा और किसी केस में नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है, वर्ग हो या कोई सम संख्या हो तभी ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक अपना ऑफ रखें, नहीं तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है।
करीना बेटा माइक ऑफ करें, करीना अपना माइक ऑफ करें। तो माइक अपना ऑफ रखें बच्चों, बार बार ऑन मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने दो का वर्ग किया, दो का वर्ग मतलब दो को लिखना है हमने दो बार, दो गुणा दो, ठीक है। तो दो दुनिया आ गया आपका चार, और यहाँ पर इन्होंने किया माइनस दो का वर्ग, तो माइनस दो को हम कितने बार लिखेंगे, दो बार ही लिखेंगे, तो गुणा कर दीजिए, दो दुनी चार और माइनस माइनस प्लस। तो देखिए इनका जो वर्ग है वो दोनों का ही सेम आया है, तो अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग अगर करते हो तो उत्तर में हमेशा वो आपको धनात्मक ही देगा। ये सभी को समझ आया? माइनस वाली संख्या का अगर आप कभी वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, तो उत्तर में वो आपको प्लस ही देगी हमेशा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, कोई डाउट होगा तो बच्चों आप खुद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने वर्ग किया है पांच को, तो मैं भी पांच का कर लेती हूँ, पांच पंजे पच्चीस, ठीक है। तो अगर पच्चीस जो है वो पांच का वर्ग है, पच्चीस एक संख्या है और वो किसी दूसरी संख्या का वर्ग है, तो इस पच्चीस को हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्ग संख्या। दो नाम इसको हम दे सकते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं पूर्ण वर्ग, या इसको हम कह सकते हैं वर्ग संख्या, अगर ये क्या है, अगर ये किसी का वर्ग होता। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख लूं 24, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 24, तो क्या 24 एक वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग कहलाया जाएगा? क्या 24 को आप पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हो? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी संख्या का वर्ग कौन होता है? उस संख्या को उसी से गुणा करो और जो आंसर आएगा वो उसका वर्ग होगा। लेकिन मान लीजिए पांच से मैंने किया था, नहीं आया, चार से करूं तो चार सकते तो 16 होता है, तो 24 तो नहीं आया, तो इसका मतलब 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन पूर्ण वर्ग होगा और कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण आपको दिया है, देखिए बहुत अच्छा, कि 25 एक वर्ग है, किसका वर्ग है? पांच का वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 को हम किसी भी, अब क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को उसी से गुणा करें तो 15 नहीं आएगा। इस पूरे जितने भी हमारा नंबर सिस्टम है उसमें ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जिसको उसी से गुणा करने पर आपको 15 मिले, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, इसको हम 3 × 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 3 × 3 या फिर 5 × 5 जो है वो नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। और 49 देखिए, तो 49 एक पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो 7 का वर्ग है। तो ऐसे आपने जो है आप पता लगा सकते हो कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सभी को समझ आया यहाँ पर? अगर समझ नहीं आता है तो बच्चों आपने पूछना है, क्योंकि पोल में आप फिर आंसर बहुत बच्चे गलत दे रहे हैं, कोई 10-12 बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मतलब कि आधी क्लास इसको हम माने तो आधी क्लास को शायद समझ नहीं आ रहा, तो पूछिए, डाउट पूछिए, ठीक है। क्योंकि डाउट जितना आप, मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बस हम ये पता कर रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आपको, 1 × 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 को किससे गुणा करेंगे, बताएं फटाफट से। अगर 2 का वर्ग करना हो तो 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 3 का वर्ग करना हो तो 3 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 4 से। 4 से। और 6 का करना हो तो? 6 से। और 10 का करना हो तो? 10 से। तो समझ आ गया, वेरी गुड। अब इनको गुणा करो तो 1 × 1 2 × 4 3 × 9 4 × 16 3 × 6 नहीं बेटा, 3 × 9 6 × 6 = 36 और 10 × 10 = 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं उत्तर में आ रही है हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। क्यों होंगी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं? क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हमें मिल रही हैं जो कहां से मिल रही हैं? एक संख्या को उसी से गुणा करने पर, तभी तो हमें ये मिल रहा है ना, इसको हम जो है वो पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। लेकिन 15, क्या 15 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहां पर 1 था, फिर 4 था, फिर 9 था, फिर सीधे ही 16 आ गया, 15 तो कहीं नहीं आया। अगर 15 एक पूर्ण वर्ग होता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें 15 भी जो है वो मिलता, जब हम किसी संख्या को उसी से गुणा करते। लेकिन 15 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये जो है पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग की नहीं है। बाकी 1, 4, 9, 16, 36, 100 ये सभी जो है वो पूर्ण वर्ग की संख्याएं है। और अगर 5 का करें तो देखिए 5 × 5 = 25, तो 25 भी पूर्ण वर्ग की संख्या है।
सात का करें तो सात सत्ते उनचास, तो उनचास भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। ठीक है, तो जो संख्या है आपको किसी भी संख्या को उससे गुणा करने पर मिलती है वो पूर्ण वर्ग की होगी, नहीं मिलती है तो नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछती हूँ, आपको यहाँ पर देखिए लिखी गई है सभी संख्याएं, इनके बीच से ही पूछूंगी, 11, क्या 11 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नो मैम, नहीं है, क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हमें यहाँ पर नजर आती, यहाँ पर लिखी हुई हमें नजर आती। ठीक है, तो 11 नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 36, यस मैम, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यस मैम, यहाँ पर किस लिखा है, ये 6 का वर्ग है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 99, मैम नहीं है, नहीं मैम, नो मैम, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 9 का भी अगर मैं वर्ग करूँ तो 9 नया आपका 81 होता है, 81 के बाद सीधे 100 आ गया, तो मतलब 81 और 100 के बीच में, बेटा माइक ऑफ कर, नाजिया माइक ऑफ करें बेटा, नाजिया बेटा अपना माइक ऑफ करें, मेरी आवाज नहीं जा रही। ठीक है, तो मतलब 81 से लेकर के 100 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होगी, तो ऐसे जो है वो पूर्ण वर्ग की संख्या का पता लगाया जाता है। तो बताइए अभी समझ आया? यस मैम, यस मैम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा वर्ग का चार्ट दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास तक आपको ये पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, दो का करेंगे तो चार, तीन का करेंगे तो नौ, चार का करेंगे तो 16, पांच पंजे 25, छह छह 36, सत सत्ते 49, आठ अठे 64, नौ नए 81, दस दस से 100, और यहाँ पर 11-12 सबका दिया गया है, जिनको आप चाहे तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उदित बेटा माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है उदित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑफ करें। राखी बेटा आपका माइक ऑन हो गया है, ऑफ रखें, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये आपका पूरा वर्ग चार्ट है जिसमें आपको 21 तक जो है वो दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इसका वर्ग चार्ट बनाया तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए एक चीज आपने देखनी है, आप बच्चों ने देखनी है कि इन सभी के इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पर, तो पहला तो आपका इकाई का ही अंक है तो मैं लिख देती हूँ 1, दूसरा भी इकाई है तो 4, तीसरा भी इकाई ही है तो 9, चौथा देखिए ये हमारे पास दहाई का अंक है लेकिन इसके इकाई, इकाई का स्थान सभी को पता है ना कौन सा होता है, ये वाला, ये अगर मैं लिख रही हूं 9, 9, 8, 7, 6 तो ये वाला इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगला देखिए 25 में है 5, 36 में है 6, 49 में है 9, 64 में है 4, 81 में है 1, 100 में है 0। ठीक है, और अगर इसका देखें तो यहां पर भी 1, 4, यहां पर 9, यहां पर 6, 5, फिर से 6, 9, 4, 1 और नीचे कितना है तो नीचे है 0। अभी हमने 20 तक यहाँ पर इनके वर्ग देख लिए, तो क्या आपको इनके अलावा कोई भी संख्या नजर आई? क्या आपको कहीं पर भी 7 दिखा, कहीं पर भी आपको 3 दिखा, कुछ आपको ऐसा दिखा? यस और नो? नो मैम, नहीं दिखा। इसका मतलब वर्ग की जो हमारी संख्याएं हैं उनके अंत में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसके अलावा कोई और अंक मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा तो आप बता सकते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 2, 3 ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या या फिर वर्ग संख्याएं होंगी उनके अंत में जो है ये सिर्फ ये ही अंक आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सूत्र आपके लिए निकल के आया है कि अगर आप कभी भी पता कर रहे हो कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग की है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या क्या देखेंगे कि क्या उसके अंत में ये संख्याएं हैं, अगर होंगी तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको ऐसी कोई संख्या दिखी तो हमेशा पूर्ण वर्ग ही होगा, क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ पर 16 है और ये यहाँ पर 36,
तो 16 और 36 के बीच में 26 भी तो आता है ना, तो क्या 26 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, जबकि इसके अंत में भी तो 6 है, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी ये नंबर नजर आए तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां तक सभी को समझ आया? 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये संख्याएं आपको किसी भी संख्या के अंत में दिखती है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इनमें से कोई ऐसी संख्या है जिसके अंत में ये संख्या है ही नहीं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9, 8 या फिर 4, 5, 3, 2, 2, 1, 2 तो क्या इनके अंत में इनमें से कोई संख्या आपको नजर आ रही है? यस और नो करके आप बता सकते हैं बेटा। मैम आपको इनकी इकाई के नहीं, इस पे 3 है, इस पे 8 है, इस पे 8 है, इस पे 2 है। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आपको ये संख्याएं दिखती हैं तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर संख्याएं ऐसी है जिनके इकाई के स्थान पर ये वाले अंक है ही नहीं, ये वाले अंक नहीं है, इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो हम 100% श्योर होके कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंत में ये डिजिट ही नहीं है, इनके अंत में ये अंक ही नहीं है। अगर होंगे तब भी हम 100% नहीं कह सकते कि वो पूर्ण वर्ग होगा, तब हमें चेक करना पड़ेगा। पर अगर अंक ही नहीं है तो हम 100% बिल्कुल 100% श्योर होके हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है, अगर इनमें से अंक जो है वो उसके पीछे ना हो। तो अभी सभी को समझ आया कि कैसे चेक करना है? अगर ये संख्या होगी तो आप चेक करो, तो आप चेक करो कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। लेकिन अगर ये संख्या नहीं है तो आप 100% श्योर होके क्या कहोगे? बताओ बच्चों, क्या कहोगे? कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मेन था जो आपको समझ आना चाहिए था, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है काफी, मतलब कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आपके बहुत काम आने वाला है कि आप बस देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन हो सकती है कौन नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, ये सभी बच्चे इन संख्याओं को ना नोट कर लें, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक आपको मिलते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग की, ठीक है, पूर्ण वर्ग की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें 100% श्योर नहीं होते, हम इसमें होते हैं 50-50, नहीं भी हो सकती, ठीक है। 50-50 हम इसमें आपको गारंटी दे सकते हैं कि हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई के स्थान पर ये वाले अंक नहीं है, ठीक है, जिनके इकाई के स्थान पर जो है वो ये अंक नहीं है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है, ये अंक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम 100% श्योर हैं कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको भी एक उदाहरण देके समझाती हूं, तो आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। आप मुझे बताइए कि 3, 0, 8, 0 क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? Yes, ma'am. क्या आप 100% श्योर हैं? क्या आप 100% श्योर हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है? मैम नहीं होगी, हम इसमें कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते, हम नहीं कह सकते कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कब हम इसको जो है कहेंगे कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांस है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर ऐसे अंक आपको दिखते हैं तो आपको चेक करना होगा, आप इसको चेक कीजिए, चेक किए बिना आप श्योर होके नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आपने बिल्कुल इसको 100% नहीं कहना है, आपने कहना है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 9, 0, 0, 8, 7 क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है?
नो मैम। यहाँ पर आप जो है वो 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई अंक नहीं है, इसके अंत में जो है वो 7 है। तो अगर इनके अलावा कोई और अंक होगा तो हम कहेंगे 100% श्योर कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक अंक आपको यहाँ पर दिखता है तो आप कहेंगे 50-50, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आप कहेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद आपको आंसर हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने कहना है नो। और एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, जैसे कि 5, 5, 5, 5, बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? यस मैम। मैम 50-50 कह सकते हैं। 50-50 इसको आप 100% श्योर नहीं कह सकते, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें इसे चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं वो आगे है, वो कंसेप्ट आपका आगे है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सिखाया जाएगा, सिखाया आपको सब जाएगा, पर अभी जितना आपको सिखा रहे हैं उतना आप अच्छे से सीखे, है ना। तो क्या है यहाँ पर 50-50 है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। वहीं अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं, 9 से नहीं करते शुरू, अब 2, 2, 2 और 3 ये बताएं। नो मैम, नो मैम, नो, ये नहीं है। 100% गारंटी 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंत में जो है वो 3 है, इनमें से कोई भी अंक इसके बीच में अंत में जो है वो नहीं आया। लेकिन यहाँ पर 5 था, है ना, जो कि यहाँ पर आता है 0, 1, 4, 5 में आता है, ये 5 यहाँ पर था, तो हमने कहा 50-50, लेकिन नहीं था तो हम कहेंगे कि नहीं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको बच्चों अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि अगले आपको जो है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट अगर आप बच्चों का है तो आप मुझे बता दें। अच्छा, अभी आपकी क्लास कब होगी? शुक्रवार को 31 को। ठीक है, ठीक है, देखते हैं उस दिन, अगर मुझे नहीं पता शायद छुट्टी है या नहीं। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय।